भाई जब मैं पहले दिन ग्रैंड आरपी सर्वर में आया था ना, तो गाड़ी के बाद सबसे ज्यादा मन था अपना घर लेने का, क्योंकि एज एन इंडियन अपना घर होना सही में प्राइड की फीलिंग लगती है। एंड अगर घर खरीदने से आपको मुफ्त की पार्किंग एंड अपना सामान रखने के लिए वेयरहाउस मिल रहा है तो क्या ही बुराई है। बट मैं बहुत परेशान हो गया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि घर कैसे बाय करते हैं, एंड इवन यूट्यूब पे भी इससे रिलेटेड कोई प्रॉपर ट्यूटोरियल नहीं था। तो आज की वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि कैसे घर खरीदते हैं, कैसे हाउस इंश्योरेंस लेते हैं, कैसे आप उस घर को सेल कर सकते हो, कैसे रेंट पे दे सकते हो, एंड कैसे रीसेलिंग करके भी प्रॉफिट कमा सकते हो। वो सब बताने वाला हूँ इस कंप्लीट ट्यूटोरियल में, तो एंड तक जरूर देखना। और ग्रैंड आरपी के लिए फ्री में रजिस्टर नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आ जाओ। मैं सर्वर 2 में खेलता हूँ, अगर आपका एक अकाउंट ऑलरेडी है तो आप दूसरा अकाउंट भी बना सकते हो उसमें। अब सबसे पहले बात करते हैं घर की। तो यहाँ बहुत तरह के घर होते हैं जिन्हें बेसिकली स्टार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 स्टार का मतलब हो गया छोटे घर, 2 स्टार का मतलब हो गया थोड़े से बड़े घर, एंड 3 स्टार्स का मतलब हो गया लग्जरी टाइप के घर। जैसे हमारा फैमिली हाउस है 3 स्टार हाउस, इनमें स्विमिंग पूल्स, हेलीपैड वगैरह हो सकते हैं। उसी तरह इनका इंटीरियर भी डिफरेंट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द स्टार्स। अब जो अपार्टमेंट्स होते हैं वो 4 स्टार होते हैं, एंड उनकी खास बात ये होती है कि उनको रॉब नहीं किया जा सकता, पर हाउसेस को रॉब कर सकते हैं, जिसपे मैंने अलग वीडियो बना रखी है। दरिया हर एक हाउस को यूनिक नंबर दे रखा है और आप अपनी मोबाइल ऐप से हाउसेस का नंबर डाल के उनको मैप पे लोकेट कर सकते हो। अब बात आती है हाउसेस बाय करने की, तो बहुत तरीके हैं। सिंपल तरीका है कि आप एड डालो बाइंग हाउसेस का, या फिर कोई एड में अपना हाउस सेल कर रहा है तो उससे नेगोशिएट करो, फिर उसके पास जाओगे तो वो आपको जी मसल से रियल एस्टेट सेल कर सकता है, मतलब कि हाउस सेल कर सकता है। दूसरा तरीका है ऑक्शन, जो आपकी मोबाइल ऐप में होती है। वहाँ आपको अपार्टमेंट्स एंड हाउसेस दोनों ही ऑक्शन पे मिल जाते हैं, किसी दिन ज्यादा तो किसी दिन कम। आपके पास कैश में पैसे होने चाहिए एंड आप प्लेसर बेट से पैसे लगा सकते हो। मैं एडवाइस करूंगा कि ऑक्शन के खत्म होने तक रुको, यानी कि सर्वर टाइमिंग के 20:30 तक। जब लास्ट बेट लगाने का नोटिफिकेशन आए ना, तब बेट्स लगाना शुरू करना। यूजुअली तब फाइट होती है लोगों में एंड सब एक दूसरे से ज्यादा बेट लगाने की कोशिश करते हैं। आखिर में मिलता उसी को है जिसपे ज्यादा कैश होता है एंड वो ज्यादा अफोर्ड कर पाता है महंगे पे खरीदना, क्योंकि बेट्स लगाते लगाते 2 मिलियन का कोई भी घर इजिली 5 मिलियन तक भी चला जाता है। तीसरा ऑप्शन है रियल एस्टेट एजेंसी, जो मैप पे इस जगह पे है। वहाँ लोगों ने अपने घर लिस्ट कर रखे होते हैं एंड आप वहाँ से इजिली खरीद सकते हो सिर्फ 1 क्लिक में। चलो पैसों की बात कर लेते हैं। तो घर का रेट बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लाइक वो घर की लोकेशन। जैसे वाइनवुड हिल्स के घर एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि वो पॉश इलाका है। परिटो बे के घर दिखने में अच्छे नहीं होते बट फिर भी एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि वहाँ लोग लाइसेंस प्लेट बिजनेस करते हैं एंड हर कोई SHP के पास घर लेना चाहता है। देन गेटो एक अच्छा रीजन होता है घर खरीदने का अगर आप गैंग मेंबर हो। जो रीसेलर्स होते हैं वो बीच मार्केट के पास घर लेना प्रेफर करते हैं एंड कुछ लोग पोस्टल के पास। ऐसी लाइफ इन्वेटर एंड मिरर पार्क के पास भी घर सेल होते हैं। तो लोकेशन के अलावा बाकी फीचर्स भी मैटर करते हैं, लाइक उसमें गैराज स्पेसेस कितनी है, 2 है, 5 है या 9 है। फिर घर में गार्डन है या नहीं है, क्योंकि लोग फल सब्जी उगाना भी पसंद करते हैं, उसे बेचते हैं। उसके अलावा स्विमिंग पूल है या फिर नहीं है, क्योंकि वो एक्सपेंसिव हो जाता है उससे। एंड हेलीपैड वाले घर तो लिटरली 50 से 100 मिलियन डॉलर में बेचते हैं। अभी करंट रेट क्या चल रहा है अलग अलग तरह के हाउसेस का, वो तो आप एड्स देखकर पता लगा सकते हो कि लोग कितने में बेच या फिर खरीद रहे हैं। आई थिंक सबसे सस्ते की बात करूं तो 1 मिलियन का घर मिल जाएगा आपको एंड आप अपार्टमेंट भी खरीद सकते हो स्टार्टिंग में, क्योंकि उन्हें रॉब नहीं किया जा सकता और आपको 9 गैराज स्पेसेस भी मिल जाती है। बस हाँ, अपार्टमेंट में आपको गार्डन, स्विमिंग पूल या फिर हेलीपैड जैसे फीचर्स नहीं मिलते। अब घर खरीदने के बाद भी खर्चे होते हैं काफी सारे, जैसे कि आपको रोज हाउस का टैक्स पे करना पड़ेगा, जो हर घर का अलग होता है। मैक्स आप 14 डेज के लिए पे कर सकते हो, या प्राइम मेंबर 21 डेज का एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं। अगर वो टाइम निकल गया तो घर भी चला जाएगा। उसके अलावा अगर आपका 1 से लेकर 3 स्टार का हाउस है तो इंश्योरेंस भी बाय करना पड़ेगा, क्योंकि लोग आपके हाउस को रॉब कर लेंगे, जिसपे अगेन मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। तो हाउस इंश्योरेंस खरीदने के लिए सिंपली गवर्नमेंट पे जाओ, वहाँ मास्क उतार देना और अपनी इन्वेंट्री में कोई इलीगल आइटम्स भी मत रखना। गाड़ी भी सही से पार्क होनी चाहिए। बस उसके बाद ऑफिसर के पास जाओ, वहाँ कहो कि हाउस इंश्योरेंस खरीदना है एंड वो आपका पासपोर्ट मांगेगा, देन हाउस नंबर भी पूछेगा एंड आपके हाउस की जो स्टेट वैल्यू होगी उसके 10% कॉस्ट पे आपको 30 डेज का इंश्योरेंस मिल जाएगा। अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेते हो एंड कोई आपके हाउस को रॉब कर लेता है तो आपके ऊपर फाइन चढ़ जाएगा, जो आपको पे करना ही पड़ेगा। ये थोड़े नेसेसरी खर्चे। इसके अलावा थोड़े अयाशी वाले खर्चे भी होते हैं। रोकड़ा आया नहीं कि अयाशी शुरू। जैसे आप अपने घर का इंटीरियर चेंज कर सकते हो, चाहे वो जापानीज हो, इटालियन हो या फिर रशियन। आप फ्री में ट्राई कर सकते हो एंड देन खरीद भी सकते हो, बट मैं रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आपके पास 50-100 मिलियन यूं ही पड़े रहते हैं ना, तो खरीद लो। उसके अलावा आप अपना फर्नीचर भी लगा सकते हो घर में एंड अपने इंटीरियर की प्लेसमेंट भी चेंज कर सकते हो। ये सब आपके ऊपर है। अभी आपने जो भी घर खरीदे उनको देखने के लिए एम प्रेस करो एंड अपने नाम पे क्लिक करो। वहाँ बॉटम राइट में आपके हाउसेस शो हो रहे होंगे, उनका नंबर लिखा है, कितने दिन का टैक्स पे हो रखा है वो भी लिखा है एंड इवन आप लोकेशन के आइकन पे क्लिक करके उनको मैप पे मार्क भी कर सकते हो। अगर आप किसी फैमिली में हो तो वहाँ आपको फैमिली हाउस भी दिख रहा होगा। अब आप मैक्सिमम 2 हाउसेज ओन कर सकते हो सर्वर में एंड अगर प्राइम है तो 3 हाउसेज खरीद सकते हो। ग्रैंड आरपी का प्राइम फ्री में कैसे लेना है उसके ऊपर मैंने अलग वीडियो बना रखी है। अच्छा, अब बात आती है घर सेल करने की। तो उसके भी 2 तरीके हैं। एक है कि आप एड डालो एंड अच्छे से लिखो कि सेलिंग अ हाउस,
कितने गैराज स्पेसेस हैं, गार्डन, स्विमिंग पूल या हेलीपैड है तो लिख दो, एंड इवन लोकेशन भी लिख दो अगर अच्छी है तो आपके पास ऑफर्स आएंगे। जहां अगर डील अच्छी मिली तो जी प्रेस करना, वहां रियल एस्टेट पे जाना एंड अपना हाउस सेल कर देना अमाउंट डाल के। याद रखना कि अपने हाउस को ओपन करके रखो सो दैट पोटेंशियल बायर्स आकर उसे चेक कर सके अंदर से। दूसरा ऑप्शन है रियल एस्टेट, जहां आप अपना हाउस लिस्ट कर सकते हो फॉर सेलिंग। बस हाउस नंबर सेलेक्ट करो एंड प्राइस डाल दो। याद रखना कि हाउसेस सेल करने पे 10% अमाउंट स्टेट रख लेती है, एंड अगर आप टैक्स इवेड करने की कोशिश करोगे ना तो बैन भी हो सकते हो, जिसपे मैंने ग्रैंड आरबी के रूल्स वाली वीडियो में बात करी थी। अब बात आती है पैसा कमाने की, मतलब आप हाउसेज एंड अपार्टमेंट से पैसे कैसे कमा सकते हो। तो इसके भी दो तरीके हैं, जिसमें से पहला है रीसेलिंग। एक सिंपल सी बात समझ लो कि यहाँ हाउसेज की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती ही है, क्योंकि ऑब्वियसली प्लेयर्स नए आते रहते हैं पर हाउसेज लिमिटेड ही है, सो डिमांड बढ़ती रहती है। इसलिए जो अपार्टमेंट्स मैंने स्टेट वैल्यू पे खरीदे थे ना 500K के, वो मैंने 2 महीने बाद 1.5 मिलियन के बेचे हैं। एंड इवन अभी तो अपार्टमेंट्स की कॉस्ट 2 से 2.5 मिलियन डॉलर्स के आसपास चल रही है EN2 में। तो आप भी कोई अच्छा सा अपार्टमेंट या घर खरीद सकते हो एंड कुछ दिन या फिर 1-2 महीने बाद प्रॉफिट में सेल कर सकते हो। बस उन्हीं सब बातों का ध्यान रखना, जैसे कि लोकेशन, गैराज स्पेसेस एंड अदर फीचर्स। लोग कस्टम इंटीरियर वाले हाउसेस खरीदना पसंद नहीं करते क्योंकि वो बहुत महंगे होते हैं एंड वेस्ट ऑफ मनी है एक तरह से। दूसरा तरीका पैसा कमाने का है रेंट पे देना। आप अपने घर या फिर अपार्टमेंट को रेंट पे दे सकते हो, जिसके लिए फिर से रियल एस्टेट एजेंसी पे जाओ, वहाँ रेंट अपार्टमेंट पे क्लिक करो एंड कोई और आकर रेंट पे ले सकता है। मैक्सिमम आप 7 डेज के लिए दे सकते हो ऑन रेंट। लोग यूजुअली गार्डनिंग के लिए रेंट पे लेते हैं। इवन बलेटो बे जैसी जगह में तो हाउसेस मिलना बहुत रेयर है। जिन्होंने खरीद रखे होते हैं ना, वो सेल नहीं करते क्योंकि सब लाइसेंस प्लेट बिजनेस करके मिलियनेयर बनना चाहते हैं, तो लोग वहां पर 7 डेज के लिए रेंट पे ले लेते हैं घर को। जैसे मैंने 5 मिलियन का घर खरीदने की जगह 300K पर वीक पे रेंट पे लिया था लाइसेंस प्लेट बिजनेस रन करने के लिए। वैसे अगर आप उस पर एक अलग वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बताओ, मैं बना दूंगा। आई थिंक मैंने आपको सब कुछ बता दिया हाउसेस के बारे में, कुछ रह गया हो तो बता दो कमेंट्स में। बाकी घर खरीदने के लिए पैसे तो कमाने पड़ेंगे, इसके लिए लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो, 5 easy ways to make money in Grand RP पता लग जाएंगे आप। उसके अलावा राइट वीडियो पे क्लिक करो अगर आपको हाउसेस ड्रॉप करने सीखने हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए रेफरल लिंक से ग्रैंड आरपी अभी ज्वाइन करो मेरे साथ खेलने के लिए। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।